नरेंद्र मोदी आज बाबा नगरी से झारखंड को बड़ी सौगात देंगे। देवघर एयरपोर्ट और एम्स समेत 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देवघर तैयार है, लोगों में भारी उत्साह है। बाबा धाम में मंगलवार को महामंगल, मंगलवार को बाबा नगरी से मंगल उड़ान। पीएम नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात, बाबा नगरी का सपना होगा साकार। मंगलवार को बाबा नगरी में सब मंगल होगा। मंगलवार से बाबा नगरी से उड़ान शुरू होगी। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट समेत करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के स्वागत के लिए बाबा नगरी देवघर सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक आने वाली सड़क को सजाया गया है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, पीएम के कटआउट लगाए गए हैं। बस इंतजार है पीएम मोदी के आने का। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एयरपोर्ट रोड की। ये शानदार नज़ारा एयरपोर्ट रोड का है। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, होर्डिंग्स बैनर्स से पूरा जो एयरपोर्ट रोड है वो पटा पड़ा है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जान लीजिए। 12 जुलाई को देवघर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:05 पर दिल्ली एयरपोर्ट से देवघर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 1:05 पर देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:15 से 2:15 तक देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम, देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2:40 से 3 तक बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम। 3:15 से 4:15 तक देवघर कॉलेज ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:35 पर देवघर से होंगे रवाना। पीएम मोदी सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट भव्य बनाया गया है। एयरपोर्ट के पास बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को कलाकृति के जरिए दिखाने की भी कोशिश की गई है। देवघर एयरपोर्ट के पास कई ऐसी कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया है जो आपको सहसा बाबा नगरी की याद दिला देगा, क्योंकि देवघर में एयरपोर्ट बना है। देखेंगे अद्भुत कलाकृति है ये। इस कलाकृति में दिखाया गया है कि कैसे कांवरियों का समूह जलाभिषेक करने के लिए बाबा नगरी की तरफ जा रहा है और एक शिवभक्त पूरी तरह से दंडवत करता हुआ आपको दिख रहा होगा हमारे कैमरामैन के कैमरे में। एक जो शिव भक्त है वो दंडवत करता हुआ शिवधाम की तरफ, बाबा नगरी देवघर की तरफ, उस मंदिर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जहां पर भोले विराजमान हैं। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाएंगे। एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक की सड़क पोस्टर बैनर से पट गया है। एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। प्रधानमंत्री एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। इसी रास्ते से वो एयरपोर्ट से निकलकर बाबा धाम मंदिर तक जाएंगे। पूरे रोड को सजाया गया है। आगे जाकर और मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आगे कहां क्या कुछ बना है। फिलहाल इसी रोड से प्रधानमंत्री बाबा मंदिर तक जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में होंगे और इसी सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जो है वो बाबा के दरबार पहुंचेंगे। बाबा के दरबार पहुंचकर वहां मत्था टेकेंगे, तो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से प्रधानमंत्री कल गुजरेंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी का देवघर कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संथाल से आए लोगों को संबोधित करेंगे। इसे लेकर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। इसी मन से प्रधानमंत्री देवघर वासी के आने वाले लोगों को संबोधित करेंगे। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे जरा एक बार वो पूरा पंडाल दिखाएं इस मुख्य मंच से कि किस प्रकार का यह पंडाल का निर्माण कराया गया है और कितने लोग इस पंडाल में बैठ पाएंगे। मंगलवार को बाबा नगरी देवघर से पीएम मोदी झारखंड को 16,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 10,270 करोड़ की 13 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 6,565 करोड़ की 12 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से जहां संथाल में विकास के नए द्वार खुलेंगे, वहीं रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। ऐसे में बाबा नगरी देवघर के लोगों में खुशी का माहौल है। संथाल परगना विकास से अछूता था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में संथाल परगना में देश की आजादी के बाद भी काम नहीं हुए थे, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनी, तो आप देख रहे हैं आजादी के बाद पहला एक ही अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट था रांची। 70 साल के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बाबा नगरी में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दूसरा उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। तो पर्यटन की अपार संभावनाएं केवल यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी की तो नगरी है ही, जो कुछ होता है यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा से होता है। ये शक्तिपीठ भी है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ है। पूरे दुनिया भर के जैन श्रद्धालु जो है पारसनाथ आते हैं। यहीं से 100 किलोमीटर की दूरी पर चंपापुरी है, वहाँ भी पूरे देश भर के जो है श्रद्धालु आते हैं। बहुत खुशी है हमको, मोदी सरकार जिंदाबाद। चलिए बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार जिंदाबाद। बहुत खुशी है, क्यों खुश है? मोदिया पर हमने बहुत खुशी है, सब चीज हमने दे रहे हैं। बोल रहे हैं मोदिया पर काफी खुश है, क्यों? हमने बहुत रक्षा करे सब चीज से। धन धन है मोदी जी, अब किया कमाल काम है, भारत का प्रधानमंत्री बन के बढ़ाया देश का शान है। धन धन है मोदी जी। उद्घाटन के साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। 12 जुलाई को भी कोलकाता से इंडिगो की पहली फ्लाइट देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। पीएम के इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से राकेश कुमार, अमरनाथ और अजय लाल की रिपोर्ट। चलिए हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, कवरेज हम ये महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भी हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयरपोर्ट रोड से हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, जबकि आपको बताएं कि टावर चौक से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। पहले अजय लाल के रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, इंतजार आज खत्म होने वाला है। ये उत्साह कल दीपोत्सव के दौरान भी दिखा और अब ये उत्साह चरम पर। बिल्कुल आरती, पूरे देवघर के चप्पे चप्पे पर उत्साह का माहौल है और मैं इससे पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों अब देवघर पूरे भारत के मानचित्र पर चर्चित हो गया है। हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको लाल अक्षरों में कुछ दिखेगा, आप उसको पढ़ पाएंगी तो आपको प्राउड फील होगा कि देवघर क्यों पूरे देश में चर्चित है। फिलहाल एम्स देवघर ये एक ऐसी सौगात है, एक ऐसा तोहफा है, ये राष्ट्र को समर्पित एक ऐसा सेंटर मिलाएंगे एम्स देवघर को, एक ऐसी चीज है जिस पर आप नाज कर सकती हैं कि आप किसी व्यक्ति की मौत, किसी व्यक्ति का निधन इलाज के बगैर नहीं होगा, इलाज के अभाव में नहीं होगा। ये बड़ी बात है आरती, और शायद इसलिए आप देवघर के किसी व्यक्ति से बात करेंगी, आपको तमाम लोग ये बोलते हुए नजर आएंगे कि देवघर अब पहले वाला देवघर नहीं रहा। बाबा नगरी देवघर के साथ साथ कई अन्य ऐसी चीज़ें भी इसके फलक में जुड़ती जा रही हैं जो इसके शान में कसीदे गढ़ रहा है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कोई बीमार ना पड़े, किसी को डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसी नौबत आती है तो अब रांची जाने की जरूरत नहीं, एम्स यहाँ तैयार बैठा है। और अब एयरपोर्ट आ जाने के बाद से जो एम्स के लिए जो कनेक्टिविटी जो सुविधाएं होती है, बड़े डॉक्टरों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये रातों रात संभव नहीं हुआ, इसके लिए लोगों ने सपना देखा, इसके लिए लोगों ने सपने को सच होने के लिए तपस्या की और अब जाकर 12 जुलाई 2022 देवघर के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि 12 जुलाई की वो तारीख थी जब हमारा देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों हुआ था। ये सब कुछ आर्थिक ऐसा तोहफा है, ऐसी सौगात है जिस पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता नाज कर रही है आरती। बिल्कुल 3.25 करोड़ जनता नाज कर रही है और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, उसे जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत का नतीजा
आज देखने को मिल रहा है। सत्यव्रत, देखिए सौगात तो मिलेगी, सपने सच हो रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, तकरीबन एक घंटे का वक्त वो एयरपोर्ट पर बिताने वाले हैं, उसके बाद जब वो बाबा मंदिर पहुँचेंगे, इस दौरान जो रोड शो होगा उसकी खास तैयारियाँ की गई हैं। पहली बार देवघर, और देवघर में बाबा मंदिर में पहली बार कोई प्रधानमंत्री। की जो एक सबसे बड़ी खासियत है कि देवघर नगरी में जब भी कोई आता है, कोई भक्त कोई दर्शनक जब आता है, इस नगरी को पता है कि उसका स्वागत कैसे करना है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। आप देखेंगे कि हर साल सावन के महीने में जो है वो लाखों की संख्या में हर दिन जो लोग हैं वो देवघर के इस बाबा नगरी पहुंचते हैं, और इस नगरी को पता है कि उनका स्वागत कैसे करना है। और जब वैसे में देश के प्रधानमंत्री ही खुद इस नगरी में आ रहे हैं, तो कल जिस तरह से दीपोत्सव किया गया, दीपावली मनाई गई प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर, रोड शो की अगर बात करें तो रोड शो की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर जो लोग हैं वो मौजूद है कि कब उनका जो है वो प्रधानमंत्री का वो देख सकेंगे और उनका स्वागत कर सकेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इस वक्त टावर चौक के पास हूं, बाबा नगरी के टावर चौक, जहां से मंदिर जाने का जो है वो रास्ता है। और आप देखिए कि पूरे रोड शो के दौरान जो रास्ता तय किया गया है उसे पूरी तरह से, यानी कि दुल्हन की तरह पूरे बाबा नगरी को सजा दिया गया है। और अब इस बाबा नगरी को इंतजार है कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी पहुंचेंगे और इस धरती से जो है वो पूरे राज्य को सौगात देंगे। 16,800 करोड़ ज्यादा रुपए की जो परियोजनाएं हैं, जो विकास योजनाएं हैं, उसका शिलान्यास करेंगे, एम्स जैसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, झारखंड राज्य के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है वो शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह है, और इस पूरे बाबा नगरी को फिलहाल एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले रखा है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए कि जो तस्वीरों में दिख रहा है ये बाबा मंदिर जाने वाला रोड है, बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए आप इसी सड़क से जो है वो मंदिर परिसर में जा सकते हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर, जब उनका कार्यक्रम होगा, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे इसी जगह पहुंचेंगे और इसी रास्ते से बैद्यनाथ धाम मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद इसी सड़क के माध्यम से रोड शो किया जाएगा। और आप देखिए कि इस पूरे कार्यक्रम में एक जो खूबसूरती देखने को मिल रही है आरती, कि ना ही इस पूरे कार्यक्रम में कोई पक्ष है और ना ही कोई विपक्ष है, यानी कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। कैसे प्रधानमंत्री जब देवघर नगरी पहुंचेंगे तो क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, खुद पूरे व्यवस्था का जो कमान है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाले हुए हैं। आप देखिए सुरक्षा के जो है वो व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पूरे देवघर नगरी पर एसपीजी का नियंत्रण है, ताकि सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाए। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स को जवानों की तैनाती कर दी गई है, वेरिकेटिंग कर दी गई है, आम लोगों से भी आग्रह किया गया है कि आज वो प्रशासन का सहयोग करे, क्योंकि बाबा नगरी जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है अपने मेहमान नवाजी के लिए, आज इस नगरी में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, और वो भी लाखों करोड़ों रुपए की सौगात लेकर आ रहे हैं। आने वाला समय में बाबा नगरी जो कि एक धार्मिक स्थल, एक दार्शनिक स्थल के रूप में जाना जाता था, आने वाले समय में यह एक, या फिर हम ये कहें सचव्रत की पूरा झारखंड तैयार है जोहार कहने को प्रधानमंत्री को। अजय देखिए ये तैयारियां हुई, कल दीपोत्सव मनाया क्या, सब उत्साहित हैं, एक मंगल कामना भी कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सब कुछ, अगर वो सौगात दे रहे हैं राज्य का भला होगा, लेकिन इन सब के बीच हर एक तबका आज टकटकी लगाए बैठे, निगाहें लगाए बैठे कि प्रधानमंत्री जब मंचासीन होंगे क्या कुछ कहेंगे, हर तबके को उम्मीद प्रधानमंत्री से। बिल्कुल आरती, देखिए प्रधानमंत्री मंच से झारखंड की जनता को क्या संबोधित करते हैं ये बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए भी कि लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री देवनगरी में आ रहे हैं।
और जब देवनगरी में वो आ रहे हैं तो एक प्रकार से हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने सही कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, वो एक बाबा के भक्त के रूप में आ रहे हैं। इस श्रावणी मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले के दर्जा देने की मांग लगातार उठती रही है। लोग यहाँ के कहते हैं कि यदि श्रावणी मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया जाए तो कई सुविधाएं अपने आप मिलेगी। हो सकता है कि कई ऐसे फंड जो कि एनजीओ के माध्यम से विदेशों से आते हैं वो तमाम चीज़ें सुविधाएं मिलने शुरू हो जाएंगी। तो नज़र यह भी रहेगी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय जो श्रावणी मेले की जो मांग रही है यहाँ के लोगों की, झारखंड के लोगों की मांग रही है, उस पर प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं। और एक अहम बात यह भी जरूरी होगा कि देवघर के जो शहर है उसका विस्तार और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़े। मंदिर के जो आसपास का इलाका है, कोशिश ये हो रही थी पिछले, जैसे अभी आप बनारस जाएंगी इधर हाल के दिनों में, तो पूरा का पूरा बनारस काशी नगरी जहाँ बाबा विराजमान है आपको पूरा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। जो 4 साल 5 साल पहले जो व्यक्ति काशी गया हो और अब जाएगा तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। कुछ ऐसी ही जरूरत इस बाबा नगरी देवघर को भी जरूरत है। मंदिर के आसपास जितने भी पुराने मंदिर हैं उसके जीर्णोद्धार की बात हो रही है। ये बरसों पहले मंदिर बने थे, इसमें करोड़ों रुपया चाहिए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ से इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। तो जो सामने है श्रावणी मेला, उस मेले को भी राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग उठी है। बिल्कुल आरती, मैं वही बात कह रहा था कि मंदिर के आसपास जितने ज्यादा अतिक्रमण आप हैं, गलियां ऐसी है कि कोई भी गली 3 फीट से ज्यादा की लंबाई चौड़ाई उसमें नहीं है, चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसी यदि प्रधानमंत्री ये सौगात देते हैं कि हम काशी के तर्ज पर बाबा नगरी देवघर का भी पुनरुद्धार करेंगे तो एक बड़ी बात हो जाएगी। और उसके बाद से जो सुविधाएं मंदिर के आसपास मिलेंगी, अभी स्थिति यह है यदि आप बाबा नगरी मंदिर में आना चाहें जहाँ पर भगवान शिव गर्भगृह में विराजमान है, उसके आसपास का जो इलाका इतना ज़्यादा सकड़ा है, इतना ज़्यादा उसमें अतिक्रमण है कि आप पूछेंगे तो लगेगा जैसे कि किस गली से जाएंगे और कहाँ जाना होगा। ये पूरी तरह से तो ये चीज़ें जैसे तमाम तरह की वहाँ पर दुकानें हैं, इसको व्यवस्थित किया जा सकता है कहीं और जाके। हालांकि रांची राज्य सरकार की भी तारीफ करनी होगी। अजय, कि अब आज का जो कार्यक्रम है, आज जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तो उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा, बाबा नगरी की तस्वीर बदलेगी। सत्यव्रत, सिर्फ तस्वीर ही नहीं बदलेगी, बाबा नगरी की तकदीर भी बदलेगी, ये उम्मीद यहां के लोगों को, और सिर्फ यहां ही क्यों, पूरे झारखंड को ये उम्मीद है। जिस तरह से अब देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां से शुरू हो जाएंगी और ये सबसे बड़ा टूरिज्म का हब कहा है। अगर हम झारखंड के लिहाज से देखें, झारखंड के पर्सपेक्टिव से देखें, यहां सिर्फ देश ही नहीं दुनिया से भी लोग आते हैं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। तो एक नया आयाम तो टूरिज्म को, पर्यटन को तो मिलेगा ही, लेकिन एक ये भी है कि प्रधानमंत्री भी यहां से कुछ ऐसी यादगार चीजें लेकर जाएंगे, वो याद जो अविस्मरणीय होगा, जिसे कभी वो भूल नहीं सकेंगे, जिस तरह की तैयारियां उनकी अगुवाई को लेकर की गई है। आज अगर झारखंड की बात करें तो देवघर की जो यह नगरी रही है काफी पवित्र नगरी रही है और काफी ऐतिहासिक प्राचीन यह नगरी में जो लोग हैं वो देसी नहीं बल्कि देश के बाहर नेपाल और दूसरे आसपास के जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, खासकर सावन के मेले में यहाँ बद्रीनाथ बाबा के पास जो जल अभिषेक का जो है वो लाखों की संख्या में हर दिन सावन के महीने में लोग आते हैं। और वैसे में बाबा बैद्यनाथ की कृपा कहिए, उनकी आशीर्वाद कहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग कहिए कि आज इस नगरी को जो सौगात मिलने वाला है वो इससे पहले झारखंड में शायद ही किसी दूसरे नगर को मिला हो। आज जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा किए जाएंगे, करीब 16,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो यहाँ के लोगों को दी जाएगी और उसको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा जो है वो उत्साह है। मैंने आपको बताया आरती कि बाबा नगरी की एक और खासियत है कि यहाँ कैसे मेहमान नवाजी की जाती है, कैसे अपने आगंतुकों को, कैसे अपने मेहमान का स्वागत किया जाता है, ये इस पूरे नगरी को पता है। और शायद यही कारण है कि आप समझिए कि एक महीने तक श्रावणी मेले के दौरान देश भर से नहीं विदेशों से जो लोग आते हैं, जो बाबा बैद्यनाथ के भक्त आते हैं, उनकी सेवा यही नगर करता है। और वैसे
में आज इस शहर को इंतजार है कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और मैं आपको दिखाता हूं कि आप देखिए कि किस तरह से पूरे बाबा नगरी को जो है वो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और रोड शो के लिए जो सड़क निर्धारित किया गया है उस पूरे सड़क पर आप देखेंगे कि कटआउट लगाया गया है और लगातार प्रधानमंत्री को धन्यवाद दी जा रही है, धन्यवाद दी जा रही है कि देवघर में आपने एम्स बनवाया, धन्यवाद दी जा रही है कि देवघर में आपने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया। झारखंड राज्य की अगर बात करें तो यह दूसरा हवाई अड्डा होगा जो अपने राज्य को नसीब हो सकेगा। और देखिए कि कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो पहुंचे हैं और उनसे भी बात करते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी देवघर आ रहे हैं, कितना उत्साह है उनके स्वागत को लेकर। बहुत उत्साह है, हम लोग को खुशी हो रहा है क्योंकि एम्स और एयरपोर्ट बनना हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, तो हम लोग बहुत बहुत उनको स्वागत करेंगे। जोर शोर से लगा हुआ है यहाँ का हर नागरिक कि उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो बाबा नगरी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए ये गौरव की बात है कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान जो है वो अपने राज्य को मिल रहे हैं, एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अपने राज्य को मिल सकेगा, कितना उत्साह है प्रधानमंत्री का। उत्साह है कि लगता है कि दीपावली हो, रात से ही पता चल रही है कि रात में दीप जली है और प्रधानमंत्री के आगमन में सारे लोग उत्साह है, यहाँ तक कि महिला बच्चे सारा लोग लग रहा है कि यह खुशी का माहौल या एक पर्व त्यौहार आ गई है और सामनिक परसों से शुरू होने वाली है। इस अपेक्षा में लोगों को सब मिलजुल कर एक साथ होकर यह धन्यवाद प्राप्त करते हुए हम लोग सबों को यही कहना चाहेंगे कि आज मोदी जी का दिन जो है, एम्स है, एयरपोर्ट है और भी आईटी सेक्टर का बहुत सारा यह उपलब्धता हमारे देवघर शहर में करके यह संथाल परगना और झारखंड के लिए सबसे बड़ी संथाल के लिए बहुत बड़ी बात है। सत्यव्रत, देखिए ये ऐतिहासिक क्षण है जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और संथाल से इन योजनाओं का उद्घाटन तो हो रहा है लेकिन इसका फायदा, इसका लाभ पूरे झारखंड को मिलने वाला है। अजय, देखिए ये जो सौगात मिलने वाली है ये सिर्फ संथाल के लिए नहीं है, ये पूरे राज्य के लिए है, चाहे आप एयरपोर्ट का उद्घाटन कह ले या बाकी दूसरी योजनाओं का जो उद्घाटन होना है आज प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री का आना विशेष और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि वो खुद यहां बाबा नगरी आने के लिए और बाबा के दर्शन के लिए वो कितने उत्साहित है। बिल्कुल आरती यार, आज ही प्रधानमंत्री 210 करोड़ रुपए की लागत से रांची का जो जंक्शन है उसका मतलब कि उसको यूं समझिए कि रांची जंक्शन का कायाकल्प 210 करोड़ रुपए की राशि से होना है, रीनोवेशन उसको बोलते हैं। पूरी तरह से आपको रांची जंक्शन मध्य प्रदेश में जो जंक्शन है उसकी तरह दिखाई पड़ेगा, भोपाल में कमलावती जंक्शन के नाम से बिल्कुल उसी तर्ज पर उसकी रूपरेखा तैयार की गई है, उसका DPR बिल्कुल वैसे ही तैयार किया गया है। लगभग 5 मंजिला होगा रांची जंक्शन। मुझे जानकारी है कि रांची में भी प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में LED लगाए गए हैं, वहाँ की जनता भी सुनेगी, रांची की जनता कि देवघर में प्रधानमंत्री रांची के लिए क्या कुछ बोलते हैं। जिस 210 करोड़ रुपए की लागत से रांची जंक्शन का रिनोवेशन होना है वो पूरी तरह से 5 फ्लोर का जंक्शन होगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर पार्किंग होगी, उसके बाद 3-स्टार होटल होंगे, लोगों के ठहरने के लिए कई शॉपिंग मॉल होंगे स्मार्ट बाजार के तर्ज पर, यानी कि रेलवे की जो निजीकरण की बातें हो रही हैं तो कुछ सेक्टर ऐसे जरूर हैं जो कि निजी हाथों में होगा, यानी कि यदि रांची जंक्शन पर कोई बड़ा शॉपिंग मॉल खुलता है तो वो निजी हाथों में होगा, ये होना भी चाहिए, सरकार शॉपिंग मॉल नहीं चलाती है। तो पूरी तरह से उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री का स्पीच होगा तो पूरे झारखंड को वो समेटने की कोशिश करेंगे अपने भाषण में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब देवघर का स्वरूप, तकदीर, तस्वीर तीनों चीज़ बदल रहा है, इसलिए बदल रहा है कि अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली से, जैसा कि आपके पास प्रधानमंत्री का शेड्यूल आया होगा, प्रधानमंत्री 11:35 पर दिल्ली एयरपोर्ट से चलेंगे और महज 1 घंटे में यानी कि 12:35 पर वो देवघर की धरती पर होंगे, मतलब कि 1 घंटे में आप दिल्ली से देवघर आ सकते हैं। हालांकि वो वायुसेना का विमान है, उसकी गति तेज होती है, लेकिन जो सामान्य विमान है वो 1 घंटे 40 मिनट में आपको
दिल्ली से देवघर पहुंचा देगा, लेकिन यदि आपको दिल्ली से रांची जाना है तो उसके लिए 1 घंटे 50 मिनट का वक्त लगता है। ये पूरी तरह से चीज़ें रातों रात नहीं बदलती, एक विकास की प्रक्रिया है। और लगातार आपने सुना होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार यह कहते रहे हैं कि झारखंड का विकास यदि होना है तो टूरिज्म सेक्टर को छूना होगा, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। ऐसे ही प्रयासों से टूरिज्म सेक्टर धीरे धीरे तो आज जो आयोजन है, आज जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, जो सौगात देने वाले हैं, उसके बाद यहाँ के टूरिज्म को बेशक बूस्टअप मिलेगा और देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नई तस्वीर भी होगी बाबा नगरी की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय और सत्यव्रत, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।